Hello guys, thanks for tuning into my channel. My name is Parul. Today in this video I am going to discuss my Ayurvedic diet plan और what all I had on day 4 while trying FitTuber diet plan. मैं day 4 पे भी सेम टाइमिंग पे उठी थी 6 o'clock और इस डाइट प्लान में हमें सुबह उठते ही विदाउट ब्रशिंग आवर टीथ हमें सबसे पहले लेना होता है कॉपर चार्ज वाटर, जिसे बनाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप रात को अपना जो भी आप कॉपर वेसल ले रहे हैं, जग या फिर बॉटल, आप उसको फिल कर दें और अपने साथ ही रख कर सोएं ताकि आप मॉर्निंग में पानी पीना ना भूल जाएं। बस आपको इसको रखते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप इसको ज़मीन पे ना रखें, आप इसको किसी भी वुडन सरफेस पे रखें ताकि इसकी ग्राउंडिंग ना हो। और आपको जब सुबह इसको लेना है तो आपको इस कॉपर के बॉटल से अगर आप ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं, और अगर आप जग में ले रहे हैं तो आप या तो कांच के गिलास का यूज़ करें या फिर आप डायरेक्ट उसी से ले लें। आपको इसको किसी और मेटल में ट्रांसफ़र नहीं करना है। फिर आपको इस पानी को लेने के बाद जितना भी आप पी पाते हैं, जैसे कि मैं अप्रॉक्सीमेट 500 ml ही पी पाती हूँ और स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ 300 ml ही ले पा रही थी, लेकिन डे बाय डे ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। फिर आपको फ्रेशन अप होना है और अगर पॉसिबल हो तो आप या तो वॉक कर लें या फिर एक्सरसाइज कर लें, लेकिन मेरे पास कुछ और काम होते हैं तो मैं अभी ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो घर के कुछ काम करने के बाद फिर मैंने अपनी फ़र्स्ट मील ली थी, वो भी मैंने सेम टाइमिंग पे ली थी अराउंड 7:30, और मैंने सेम ही अपनी फ़र्स्ट मील रखी है जिसमें मैंने एक बनाना लिया था और मैंने इस बनाना के पील को भी ऐड किया था और उस पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल किया था। और मैंने बनाना के साथ कुछ सोक्ड नट्स लिए थे जिसमें थे 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स। इस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट 1 आवर के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी हेल्दी ले सकते हैं जो भी आप नॉर्मली खाते हैं। आप पराठा, बेसन चीला, वर्मिसेली, पोहा, उत्तपम, उपमा, इडली, आप जो भी खाते हैं आप वो खा सकते हैं, बट आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। मैंने उस दिन अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा जल्दी लिया था, मैंने 8 o'clock ही अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में पराठे लिए थे जिसमें मैंने रॉ पपाया की स्टफिंग की थी। वैसे भी आपको पता है कि पपाया बहुत ही हेल्दी होता है, वैसे रॉ पपाया राइपन पपाया से थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि इसमें शुगर जो होती है, नेचुरल शुगर, वो नहीं होती और ये इसीलिए कैलोरी में भी लो होता है। वैसे पपाया आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये काफ़ी फाइबर रिच होता है। मैंने उस दिन 1.5 पराठा लिया था, पहले मैंने अपने आप को 1 पराठा ही सर्व किया था और मैंने ये अचार के साथ खाया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे थोड़ी सी भूख और है, इसीलिए मैंने फिर से 1/2 पराठा और लिया था। वैसे नॉर्मली जब मैं पराठे लेती हूँ, पहले की बात करूँ तो मैं 2 पराठे लेती थी और उसके साथ मैं 1 कटोरी दही भी लेती थी। तो कंपेरेटिवली पहले के अगर मैं कहूँ तो मैंने अपने ब्रेकफास्ट का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम कर दिया है क्योंकि मैंने दही भी नहीं ली थी और मैंने 1/2 पराठा भी कम लिया था। फिर मैंने 9:30 के अप्रॉक्स अपनी मॉर्निंग टी ली थी और मैंने उसके साथ कुछ नहीं लिया था क्योंकि उस दिन जो मेरा ब्रेकफास्ट था और जो मेरी सुबह की चाय थी वो मैंने काफ़ी जल्दी ले ली थी, तो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। इवन मेरा कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैंने 11:30 के अराउंड एक फ्रूट लिया था जिसमें मैंने मैंगो लिया था। फिर मैंने फ्रूट के अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स के बाद अपना लंच लिया था 1:30 के अराउंड, जिसमें मैंने पनीर भुर्जी ली थी। फिर मैंने उसके साथ दाल भी ली थी, उसके साथ थोड़ी सी दही भी थी, 2 बीटरूट की रोटी और सैलेड तो मस्ट है। वैसे इस डाइट प्लान में आपको अपना ये जो लंच है फिनिश करने के बाद आपको छाछ लेनी है, लेकिन उस दिन मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और फ़ोन पे बात करते करते ही मैं अपना लंच सर्व कर रही थी, तो मैं छाछ बनाना बिल्कुल भूल गई थी। जब मैं खाना खाने बैठ चुकी थी तब मुझे याद आया कि मैंने गलती से दही सर्व कर ली है क्योंकि मुझे आदत है कि मैं लंच में दही लेती हूँ, तो मैंने वैसे ही अपना लंच सर्व कर लिया था। लेकिन क्योंकि मैं खाना खाने के लिए बैठ चुकी थी, और हम ऐसा मानते हैं कि जब हम खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो आपको खाना फिनिश करके ही उठना चाहिए जब तक कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, तो इसीलिए मैंने वो ऐसे ही ले लिया था। लेकिन आप लोग दही की जगह छाछ ले सकते हैं। और इस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग हमें अपना लंच ऐसे करना है कि सबसे पहले हमें अपनी सैलेड फिनिश करनी है, तो मैंने भी यही किया था। मैंने पहले अपने क्यूकम्बर और कैरेट फिनिश किए थे, फिर मैंने अपनी जो रोटी है और सब्जी और दाल वो खाई थी, फिर मैंने बाद में दही ली थी। वैसे अगर मैं छाछ लेती तो मैं वो भी लास्ट में ही लेती। डे 3 पे जब मैंने अपने लंच के बाद छाछ ली थी तो मैंने ये नोटिस किया कि आपको जो लंच खाने के बाद या फिर कोई भी मील लेने के बाद आपको जो प्यास लगती है वो आपकी जो अर्ज होती है पानी पीने की वो थोड़ी सी डिले हो जाती है अगर आप ऐसा कुछ ले लेते हैं जैसे कि अगर आप छाछ ले लेते हैं। समटाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मुझे ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा होता है क्योंकि मैं अब उसके साथ चाय नहीं लेती हूँ या फिर मैं उससे पहले भी चाय नहीं लेती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है तो मैं प्लेन वाटर ना लेकर कोकोनट वाटर ले लेती हूँ। तो ऐसे ही अगर आप लंच में छाछ ले लेंगे तो जो हमें अपने पानी का गैप रखना है मेन मील से 2 to 3 आवर्स के बीच का, वो आपका इजीली मेंटेन हो जाएगा। फिर इसके बाद बारी आती है अपने इवनिंग स्नैक की। उस दिन मैंने अपने इवनिंग स्नैक में हाफ कप कॉफ़ी ली थी, बीटन कॉफ़ी, और मैंने इसके साथ थोड़े से रोस्टेड पीनट लिए थे, अप्रॉक्सीमेट 2 स्पून। मैंने बहुत ही कम पीनट लिए थे क्योंकि कॉफ़ी ऑलरेडी काफ़ी हैवी थी, इसलिए मैंने पीनट की क्वांटिटी कम ही रखी थी क्योंकि उस दिन मैंने 5:30 के अराउंड अपनी कॉफ़ी ली थी और उसके साथ मैंने पीनट भी लिए थे, तो मुझे भूख थोड़ा लेट ही लगी थी, इसीलिए मेरा डिनर भी लेट हो गया था जो कि था 8 o'clock। इस डाइट प्लान में मेरा जो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है और जो मेरी फ़र्स्ट मील की टाइमिंग है वो तो काफ़ी फिक्स हो गई है। इवन मेरा लंच भी 1-1:30 के अराउंड ही रहता है, लेकिन मेरा डिनर जो है वो इतना सेट नहीं हो पा रहा है। मैं ये पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसको 7 o'clock ले लूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे जो अपना इवनिंग स्नैक है या तो बहुत ही लाइट रखना होगा या फिर मुझे उसे 4 या 4:30 के अराउंड रखना होगा ताकि आई स्टार्ट फीलिंग हंग्री अराउंड 6:30 और मुझे ऐसा लगे कि मैं 7 o'clock के अराउंड अपना डिनर ले लूँ। मैंने पहले भी अपने राइस का पोर्शन काफ़ी कट डाउन किया था और मैंने फिर से थोड़ा सा पोर्शन कट डाउन करने के लिए क्या किया था, मैंने जो अपना नॉर्मल बाउल है जिसमें मैं दाल राइस खाती हूँ मैंने उसमें सर्व ना करके उससे थोड़े से छोटे बाउल में सर्व किए थे और फिर मैंने वही पोर्शन रखा था। 1/3 मैंने राइस लिए थे और उसमें 2/3 मैंने दाल मिक्स की थी। Day 3 पे जो मैंने स्टेप्स कंप्लीट किए थे वो थे अप्रॉक्सीमेट 3500 और जो मैंने डिस्टेंस कवर किया था वो था 2.18 किलोमीटर्स और मेरी जो कैलोरी बर्न थी वो थी अप्रॉक्सीमेट 82 कैलोरीज। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।